हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हम सभी आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी वाला वेरिएंट आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं। ये गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है एंड ये कम्प्लीटली फैमिली कार है। बहुत लोग इस गाड़ी को लेना प्रेफर करते हैं, जिनका बजट थोड़ा सा कम होता है इस गाड़ी की तरफ डेफिनेटली जाते हैं। ये गाड़ी जो है वैगनार से एक अपर वेरिएंट है। अगर आप लोग वैगनार लेने की सोच रहे हो सीएनजी में, तो यहाँ पे आप लोग अगर इसकी तरफ जाएंगे तो ये थोड़ी सी प्रीमियम में आप लोगों को देखने को इस गाड़ी के अंदर मिलेगी। उससे ज्यादा बेटर लुक लगती है इस गाड़ी की। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी की जो एक्सशोरूम प्राइस है दोस्तों, वो है 673,500 रुपीज है इसका एक्सशोरूम प्राइस। और ऑन रोड की बात करूँ तो गाड़ी आप लोगों को 792,000 रुपीज की ऑन रोड देखने को मिलती है डेली में। यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्राइसिंग मैंने आप लोगों को बता दी है, गाड़ी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को टोटल 5 से 6 कलर देखने को मिलते हैं, व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लू कलर भी इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे सामने यहाँ खड़ा हुआ इसका सिल्वर कलर खड़ा हुआ है। गाड़ी काफी अच्छी लगती है देखने में एंड बेस वेरिएंट है। हम पे इसके अंदर एक ही वेरिएंट आता है, बेस वेरिएंट LXi CNG के अंदर। इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलेगा चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बॉडी कलर में बंपर देखने को मिलेगा, फोक लैंप की प्रोविजन देते हैं, फोक लैंप आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगी। ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक कलर में जो इसका बंपर है वो देखने को मिलेगा। सामने की तरफ यहाँ पे आप लोगों को नंबर प्लेट लगाने की प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है। सुजुकी का लोगो मिलेगा मैट ब्लैक और क्रोम में आप लोगों की जो ग्रिल है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को काफी बड़ी बड़ी हेलोजन बल्ब में जो हेडलाइट है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को हेलोजन में लाइट मिलेगी, हेलोजन में इंडिकेटर आप लोगों को मिल जाएगा। इधर की तरफ से भी सेम लोग आप लोगों को मिलती है, जैसे कि आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बोनट आप लोग देखेंगे तो अच्छी खासी क्वालिटी आप लोगों को इसकी बोनट की देखने को मिलती है। गाड़ी काफी ज्यादा वाइड है, वैगनार से ज्यादा वाइड आप लोगों की वाली गाड़ी मिलेगी। बाकी यहाँ पे आप लोगों को दो वाइपर, दो वॉशर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इधर की तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सीएनजी का जो स्टिकर है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी साइड में आते हैं, बात करें इसके साइड और व्यूज के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को मैनुअली फोल्डेबल वाले मिलेंगे। इसको मैनुअल आप लोगों को फोल्ड करना पड़ेगा। पूरी प्लेन आप लोगों को छत यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसकी रूफ यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को एक एडजस्टेबल आप लोगों को ऐसे इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं आप लोग, ऊपर नीचे एंटीना आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी बॉडी कलर में डोर हैंडल यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे आप लोगों को चाबी लगाने के लिए, खोलने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी इधर की तरफ से आप लोग रनिंग बोर्ड वगैरह इसका पूरा देख सकते हैं। क्लैडिंग वगैरह आप लोग लगवाना चाहे तो यहाँ पे आप लोग लगवा सकते हैं। बात करते हैं इसके व्हील्स के बारे में, तो एक बार इसका टायर भी देख लो फटाफट से। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 165/70 R14 इंच के जो टायर हैं वो देखने को आप लोगों को मिल जाते हैं। ब्रिजस्टोन के 14 इंच के टायर मिलेंगे और आप लोगों को व्हील कवर भी इसके ऊपर लगा लगाया मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बेस वेरिएंट के अंदर भी कंपनी व्हील कवर लगा के दे रही है। यहाँ पे इसके अंदर साइड में आप लोगों को इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा फेंडर में ही, ठीक है। बाकी पीछे से बात करें तो यार यहाँ पे आप लोग इसकी लुक देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आप लोगों को रियर प्रोफाइल इसकी मिलने वाली है। टेल लाइट भी बहुत बड़ी है इसकी, जैसे कि इतनी बड़ी हेडलाइट है ना, उतनी बड़ी टेल लाइट भी इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सब बल्ब में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पीछे जो ग्लास है वो बिल्कुल प्लेन आप लोगों को मिलेगा, इसमें कोई भी डिफोगर वाइपर वगैरह नहीं मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेगी जो कि बल्ब में मिलेगी आप लोगों को। बाकी डिग्गी खोलने के लिए आप लोगों को ये इस तरीके का हैंडल वगैरह आप लोगों को दिया गया है। मारुति का लोगो मिलेगा, सेलेरियो की ब्रांडिंग मिलेगी, नंबर प्लेट लगाने की प्लेसमेंट मिलती है और यहाँ पे आप लोगों को एक रिफ्लेक्टर और उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे एक पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को मिलती है। बाकी यहाँ पे पीछे भी आप लोगों को सीएनजी का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ से आप लोग लुक देखेंगे तो सेम सब कुछ मिलेगा, बस यहाँ पे आप लोगों को एक फ्यूल फिलर कैप भी मिल जाएगा। 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ड्राइवर साइड का दरवाजा आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का दरवाजा आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, सारा ब्लैक आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर वगैरह आप लोगों को प्रोविजन दे देगा लेकिन स्पीकर नहीं मिलेगा। एक बोटर होल्डर कैपेसिटी मिलती है, ये सिल्वर कलर में आप लोगों को मिलेगा, ये पकड़ने के लिए आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। बाकी सीट वगैरह आप लोग इसकी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की सीट मिलेगी, सारी फैब्रिक सीट आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे चारों आप लोगों को इसके अंदर फिक्स हेडरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एडजस्ट आप लोग नहीं कर सकते। बाकी ड्राइवर साइड आप लोग दरवाजा देखेंगे तो कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर की लुक आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही रहने वाला है, ठीक है। पावर विंडो वगैरह आप लोगों को यहाँ पे इधर की तरफ नहीं मिलेंगी, वो आप लोगों को सेंटर में देखने को इसमें मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। पावर विंडो हालांकि आप लोगों को चारों पावर विंडो आप लोगों को मिलती है। बाकी सीट्स वगैरह मैंने आप लोगों को इस गाड़ी की दिखा दी है। बाकी एक बार इंटीरियर की भी लुक आप लोग चेकआउट कर लो, पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारा हार्ड प्लास्टिक रहने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को म्यूजिक सिस्टम की जगह दी गई है लेकिन म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे हैजार्ड का स्विच मिलेगा, बाकी सीसी अप डाउन करने के लिए आप लोगों को बटन यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कुछ आप लोगों को नहीं मिलेगा, सबको सेंटर में मिलेगा। वन क्लिक लॉक अनलॉक आप लोगों को बटन मिलेगा। बाकी इसके स्टेरिंग की बात करें तो आप लोगों को ब्लैक कलर का स्टेरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इधर की तरफ आप लोग देखेंगे तो सीएनजी का जो बटन है वो देखने को मिलेगा। ये साइड और व्हील्स आप लोगों को एडजस्ट करने के लिए अंदर से बटन यहाँ पे दिया गया है। पेट्रोल और सीएनजी पे स्विच करने का बटन दिया गया है यहाँ पे इधर की तरफ, और यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक्शन का जो कंट्रोल का बटन है वो देखने को मिलेगा। बाकी ये हेडलाइट लेवलियर यहाँ पे आप मिलेगा आप लोगों को। एसी वेंट आप लोग देख सकते हैं, सिल्वर और ब्लैक कलर में एसी वेंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 180 के टॉप स्पीड इसके मीटर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को डिजिटली फ्यूल गेज शो करेगा, यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को किलोमीटर दिखाएगा, माइलेज दिखाएगा, सब कुछ आप लोगों को शो करेगा। बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो टिकट होल्डर इधर की तरफ मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को एक मिरर भी देखने को इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है।
इधर की तरफ आप लोग देखेंगे तो यार यहाँ पे ना इसके अंदर आप लोगों को ये वो एक हैलोजन बल्ब में जो लाइट है वो भी देखने को मिल जाती है। बाकी सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। एसी वेंट आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को मैनुअल एसी सब रहने वाला मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को दो कप होल्डर फोन रखने की जगह मिलती है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 5 गियर मिलेंगे सिल्वर आप लोगों को, उसके ऊपर फिनिशिंग जो देखने को मिल जाएगी। बाकी पीछे वाले जो शीशे खोलने के लिए यहाँ पे आप लोगों को इसमें जो बटन है वो दिए जाते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो अंधेरे अंधेरे सा आप लोगों को यहाँ पे फील हो रहा होगा क्योंकि जो उसका डैशबोर्ड है ना सारा ब्लैक है, तो यहाँ पे इसलिए आप लोगों को अंधेरा सा फील हो रहा है गाड़ी के अंदर, ठीक है। पीछे चलते हैं, पीछे के बारे में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पीछे वाला दरवाजा आप लोग देखेंगे खोल के तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो सीट रहने वाली है वो 60-40 स्प्लिट सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। पीछे आप लोगों को बाकी यहाँ पे कुछ भी एसी वेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे आप लोग, जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक बार इसका बूट और ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोग सीएनजी वाला वेरियंट लेंगे तो पार्सल ट्रे आप लोगों को साथ मिलेगी। अगर आप लोग पेट्रोल वाला वेरियंट लेंगे यहाँ पे तो ये प्लेट आप लोगों को साथ नहीं मिलेगी। सीएनजी वगैरह आप लोग देख सकते हैं, बूट स्पेस यहाँ पे कुछ भी नहीं आप लोगों को मिलेगा। एक सीएनजी सिलेंडर मिल जाएगा आप लोगों को और एक यहाँ पे आप लोगों को स्टेपनी टायर देखने को मिल जाएगा। तो बूट स्पेस पूरा यहाँ पे फुल हो चुका है, यहाँ पे सामान वगैरह आप लोग नहीं रख सकते, तो ये सारी चीज आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मारुति सुजुकी सेलेरियो VXI CNG वाला वेरिएंट, जिसमें मैंने आप लोगों को इसकी सारी डिटेल जो है बता दी है, सब कुछ आप लोगों को चेकआउट करा दिया। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों को आज की वीडियो में इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।